यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए, पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने होता है। जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए, पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं, अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में पांचों की पांचों सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बनूली के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। भाई और बहनों, मैं जब आज यहां आया हूं तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार, जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है।
चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं आज उनका, उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं नहीं कुत्तों दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम, 3 गुना रुपया सीधा ग्रांट के लिए भेजा। इसके साथ साथ 82,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भेजा, 31,000 करोड़ सड़क के लिए, 50,000 करोड़ रेलवे के लिए और 100 करोड़ एयरपोर्ट के लिए देने का काम किया। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। दामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। 8,000 करोड़ रुपये से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 30 राजमार्गों का उद्घाटन अभी अभी धामी जी के साथ रहकर मोदी जी ने किया है, उस पर भी 5,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। 2,200 करोड़ से टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रोजेक्ट, इसके साथ साथ लगभग रेलवे के लिए 17,000 करोड़ के 216 किलोमीटर लंबे 3 न्यू ट्रैक्स प्रोजेक्ट और 23,000 करोड़ से देवप्रयाग और जनसू के बीच में 14 किलोमीटर लंबी लाइन डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबसे बड़ी रेल सुरंग कहां है? आज क्वीज में जवाब आता है, जहां धामी मुख्यमंत्री है वो उत्तराखंड में सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ,
ये कश्मीर हमारा है या नहीं है, सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन है। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहाया है तो मेरे गढ़वाल पौड़ी के जवानों ने बचाया। आपकी पार्टी का संस्कार है जो उत्तराखंड के वीर योद्धा बिपिन रावत को भी गली के गुंडे कहते हुए नहीं झिझकी। मित्रों, बिपिन रावत जैसे वीर योद्धा को अपमानित करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बताओ उत्तराखंड वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने, कांग्रेस ने 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के 10 साल में पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान चले जाते थे, कोई कुछ नहीं करता था। आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, वो भूल गए कि कांग्रेस की राज नहीं है, मनमोहन सिंह नहीं है, अब नरेंद्र मोदी और भाजपा है, भाजपा है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिया और अब मोदी गारंटी है और 3 करोड़ लोगों को घर मिलेगा, और 3 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब गैस का कनेक्शन मिला है मगर गैस की बोतल बदलनी पड़ती है ना, माताएं बहनें बताइए, बदलनी पड़ती है ना? अब बदलनी नहीं पड़ेगी, गैस भी पाइप से आने वाला है, अगले 5 साल में घर घर गैस पाइप से। और ये सारी योजनाएं मोदी जी जो लाए हैं, वो सारी योजनाओं में देश में नंबर 1 हमारा उत्तराखंड है, नंबर 1 हमारा उत्तराखंड। पुष्कर सिंह धामी ने सारी मोदी जी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। मित्रों, ये अनिल बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है, मैं अध्यक्ष था तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लाए। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताई। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्वत को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता। भाई और बहनों,
मैं आज कहने वाला हूं, मोदी जी को एक ऐसा साथी यहां से चाहिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को उत्तराखंड के हर गांव तक पहुंचाए। मोदी जी को एक साथी बलूनी भेज दीजिए, हम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। भाई और बहनों, यहां पर मोदी जी ने श्री अन्न योजना मिलेट्स का प्रचार करकर बहुत छोटे पहाड़ी किसानों के लिए एक समृद्धि का रास्ता खोला है। पुष्कर सिंह धामी जब भी आते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहाड़ी मिलेट्स लेकर आते हैं, और मैं तो पहले कभी खाया नहीं था परंतु अब खाया है। मैं बताता हूं, इससे स्वादिष्ट व्यंजन कोई और हो ही नहीं सकता। आने वाले दिनों में यहां के मिलेट्स को पूरी दुनिया में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी उत्तराखंड को सवार रहे हैं। मैं आज आपको बताने आया हूं, उत्तराखंड की राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? भाई बताओ तो जरा, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर तिरा पर किसने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया, अब मोदी जी इसको सवारने का काम कर रहे हैं। भाइयों, मोदी जी सवारने का, मोदी जी ने कहा है ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है और धामी पूरी तैयारी में है मोदी जी को सच साबित करने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए।